उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। मिनी स्टेडियम के पास ही राजकीय इंटर कॉलेज व इंडोर स्टेडियम तीनों एक ही स्थान पर हैं। स्थानीय युवाओं की मांग पर उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे के प्रयासों द्वारा मिनी स्टेडियम व इंडोर स्टेडियम बना, परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने शराब पीने का अड्डा बना लिया है। स्थानीय युवा बैडमिंटन खेलने के लिए सुबह जब इंडोर स्टेडियम में पहुंचे तो स्टेडियम के अंदर के हालात देखकर हक्का बक्का रह गए। स्टेडियम के अंदर मौके पर शराब की बोतलें व मीट मछली बिखरे हुए थे। स्थानीय युवाओं में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। स्थानीय युवाओं ने शासन प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियां नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियां कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियां इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियां हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले, तो वो कुर्सियां नहीं मिल रही थी। तो हम कुर्सियां ढूंढने गए तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहां पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे सब आप लोगों को बुलाए हैं, फिर बुला के देखा है कि हमारा जो स्टेडियम का हाल देखिए आके, जरा ना सफाई है ना कुछ है। और दूसरी बात है यहाँ पे गार्ड भी था, गार्ड साथ में सोया पड़ा था यहाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।